स्वागत है आप दर्शकों का हमारे चैनल राहुल कुमार CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट में। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स, ट्रिक्स एंड मटेरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे गए मैथमेटिक्स क्वेश्चन के सब्जेक्टिव पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से आप लोगों के लिए लाता हूँ मैथ, साइंस और इंग्लिश के बेस्ट और बेजोड़ वीडियोज। सेकेंड सेटिंग का सब्जेक्टिव पोर्शन का सोल्यूशन है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन का पूछा गया का, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। इसमें पहला बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालिए। आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 960 और 432 का, भाग का प्रोसेस आप जानते ही हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, इसको तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। ओके, स्टेपिंग। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आप जैसे बचपन में बनाते थे डायरेक्ट ऐसे करके इधर से ला के और लास्ट में जो बचता था उसको कर देते थे, ये वैसे भी बन सकता है, नहीं तो स्टेपिंग के साथ भी बन सकता है। आप स्टेपिंग देख सकते हैं बिल्कुल इसका, इस तरह से स्टेपिंग किया गया है 960 बराबर 432 गुना 2 गुना प्लस 96, दो गुना 432 जोड़ 96, ये स्टेपिंग है। जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक करते रहेंगे। फिर 96 आ गए 432 बीच में, फिर लगाया तो चार बार का लगा, यहाँ बच गया 48, फिर लिखेंगे 432 बराबर 96 गुना 4 प्लस 48, इस बार 48 का लगाया तो दो बार का 96 कट गया, यहाँ पे आर हो गया हमारा जीरो, सो डैट जिससे लगाया वो हमारा HCF 48। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आइए देखते हैं। दिया गया भिन्न है 2/25, 2 को मारिए गोली, 25 को लेके चलिए, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5/2, ये 2/0 5 के स्क्वायर के रूप का है, यानी 2/m 5/n के रूप का, सो डेट इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपद दिया हुआ है, अल्फा बीटा इसके शून्यांक हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। आइए चलते हैं सॉल्यूशन बोर्ड पे। यहाँ हमारा f(x) दिया हुआ है या p(x) दिया हुआ है, बहुपद के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा, आ गया -1। आप देख लेंगे कैसे लगा, कैसे आ गया, पूरा चीज़ तो लिखा हुआ ही है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आ गया यहाँ c/a से 1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, या इसको सॉल्व करके आ गया -1। क्वेश्चन इसको देख लेंगे, सॉल्यूशन आप देख लेंगे बिल्कुल वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 पर, जो लॉन्ग टाइप है और जो और लंबे लंबे हैं उसका मैंने सॉल्यूशन पूरा तरह से किया है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन ही किया है, इसको रोक के बहुत ज़्यादा ईजी है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, बाकी जो हार्ड रहेगा उसको बिल्कुल समझाऊंगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 है, तो आप इसका लिखिए समीकरण युग्म। आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ पे पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x, एक पेन की कीमत y, अब 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46, ये दो समीकरण युग्म बन गया, यही इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बताइए, तो इसको हम विरोधाभास से बनाएंगे, इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का, p बराबर हो गया √5q, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, p² = 5q². जब भी कोई भी चीज़ दो चीज़ के गुणनखंड में हो तो डैट मीन्स ये दोनों चीज़ इसको काटेगी, तो 5p² को विभाज्य करती है, डैट मीन्स 5p को भी विभाज्य करेगी। अब विभाज्य करती है तो इसको हम उसके गुणनखंड के रूप में मान सकते हैं, पी को 5 के मान लिया, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। देखिए, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 25k², है ना, इसको 5 के मान लिया, 5 के मान लिया तो अब समीकरण एक में आएंगे, समीकरण एक में आएंगे तो ये हमारा हो गया 5q² = p² का वैल्यू 5k², ये हो गया 25k², स्क्वायर होने के बाद ये कट गया 5k² का, ये बिल्कुल ऐसे हो गया p² = 5q², यहाँ हो गया q² = 5k², यहाँ भी 5q² को विभाजित करती है, डेट मीन्स 5q को विभाजित करता है। देखिए, यहाँ पे हो क्या गया प्रॉब्लम, जब भी कोई संख्या को आप p/q के रूप में मान लेते हैं तो उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनना चाहिए, बट यहाँ भी कॉमन फैक्टर 5 है p का और यहाँ भी कॉमन फैक्टर 5 है q का, यानी कि ये प्रॉब्लम हुआ किसकी वजह से, ये प्रॉब्लम हुआ √5 को परिमेय मानने की वजह से, डेट मीन्स √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो बोल रहा है, दिया गया बहुपद के 2 शून्यक का जोड़ 0 है, तो कौन सा शर्त का पालन यहाँ पे होगा। इसका सॉल्यूशन मैंने पिछले सेट में भी किया है,
अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो पिछले सेट में जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं 6 का। आइए मैं इस शर्त को बताता हूँ। तो यहाँ पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने, अल्फा बीटा गामा मान लिया एफ ऑफ एक्स के शून्यक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी बटा ए, तो आ गया पी। देख लेंगे आप कैसे लगाया गया, अल्फा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ क्यू आ गया, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला लगाया तो आर आ गया। ओके, पी क्यू और आर तीनों अलग अलग। अब प्रश्न बोल रहा है कि दो शून्यकों का योग जोड़ है ना, दो शून्यकों का जोड़ शून्य है, है ना, तो दो शून्यकों का जोड़ शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा को हमने शून्य मान लिया, इसमें शून्य पुट किया तो गामा का वैल्यू पी। फिर समीकरण दो में हम आएंगे, समीकरण दो से क्या करेंगे, गामा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा बना, अभी तो किया बीटा प्लस अल्फा जीरो, या अल्फा प्लस बीटा जीरो, ये खत्म, अल्फा बीटा बन गया, यानी कि गामा का वैल्यू आ गया पी, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया क्यू। अब आइए जरा समीकरण तीन में, समीकरण तीन में अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है। आइए तो अल्फा बीटा गामा अभी हमने निकाला, अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू, गामा का वैल्यू पी, तो क्यू पी बराबर आर, डेट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू आर, ये संबंध रहेगा तो उसके दो शून्यकों का योग जीरो होगा। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, चार कुर्सी और तीन टेबल की कीमत इतना है, पांच कुर्सी दो टेबल की कीमत इतना है, तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत बताइए। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है दोनों का, दोनों को हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हल किया है। एक्स का वैल्यू 150, यानी कि एक्स क्या माना था, कुर्सी की कीमत 150 रुपये और टेबल की कीमत हमारा 500 रुपये आया है। यहाँ देखिए आंसर है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ एक श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, 23। ए का वैल्यू और पूछ क्या रहा है हमारा, पूछ रहा है कि कैवा पद इसका 78 होगा। जो क्वेश्चन हमारा है बोल रहा है दी गई श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, तो ए बराबर 3, सार्वंतर हमारा 5। अब एपी का एनवा पद 78 है, तो टीएन बराबर 78, टीएन का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए का वैल्यू डाल दिया, डी का वैल्यू डाल दिया, सॉल्व किया तो एन का वैल्यू आ गया 16, यानी कि 16वां पद है हमारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे एक कन्फ्यूज़न क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। ये 6 और ये 12, तो यानी दो का रेशियो है, तो यहाँ इसमें और इसमें भी दो का रेशियो बनना चाहिए था। डेट मीन्स 3.8 है तो 7.6, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये 10 समथिंग चला जाएगा। कुछ समरूप वगैरह भी कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डेट हम कैसे इन दोनों को समरूप मान लें। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि चलो अगर समरूप होगा तो फिर पी का वैल्यू कितना जाएगा, तो अगर समरूप होगा तो पी का वैल्यू उतना ही जाएगा जितना सी का, यानी कि 80 और 60 140 में से घटाएंगे तो 40, तो एक तरह से इसका आंसर 40 बन रहा है, लेकिन बिना ये चीज़ दिए हुए ये क्वेश्चन अधूरा है, तो डेट मीन्स मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 1.2, 1.4 का वर्ग किया गया और काट के 12 का 6, 14 का 7, 6/7 का स्क्वायर 36/49। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, चापकर्ण की लंबाई 10 है, तो जीवा से दूरी निकालिए। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, केवल आपको समझा देता हूँ। इसका आंसर 12 आएगा। देखिए क्या है, ये त्रिज्या 13 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो 10 का चूंकि जानते हैं लंब डालेंगे तो आधा करेगा, तो 10 का आधा 5, अब कर्ण है 13, आधार है 5, तो आपका ये जो निकलेगा वो 12 होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि दो चापकर्ण यानी दो जीवा कटान बिंदु पर वृत्त के व्यास पर समान झुके हों तो सिद्ध करें कि दोनों जीवाएं समान होगी। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक वृत्त लिया गया है, इस वृत्त का यहाँ BD जो है जो वृत्त का व्यास है, और ये एक जीवा AB है जो वृत्त से जो वृत्त के व्यास से समान कोण x पर, और ये जीवा CD वृत्त के व्यास से समान कोण x पर है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों जीवाएं सेम होगी, तो कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। रचना क्या किया, C को O से और A को C से मिला दीजिए। अब कुछ नहीं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सर्वांगसम किया है साइड साइड एंगल यानी भुजा भुजा कोण कसौटी से, और अभी मैंने पिछले में भी बताया था CP CT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ पे हमारा वो बन जाएगा।
यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को कैसे समरूप किया गया, यहाँ पे आप देख लीजिए वृत्त की दोनों त्रिज्या समान की गई है, यहाँ भी दोनों त्रिज्या समान की गई है, दो कोण सेम है, यानी साइड साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं तो दोनों ये साइड भी बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। चलिए आइए देखिए, देखते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए गिवन है tan ए इज इक्वल टू 3/4, सारे लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, वैसे करके कर्ण निकाल लिया गया है पाइथागोरस। देखिए आप डायरेक्ट जो 3 और 4 मान लेते हैं ये गलत प्रोसेस है, जैसे 3 और 4 के अनुपात में है ना, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:4 है, तो 5 साल और 4 साल थोड़ी मान लेते हैं, उसको x में मानते हैं ना, तो यहाँ भी इसको x या k में आप मानेंगे। इसका h का वैल्यू 5 के निकाल दिया गया है, फिर साइन ए निकाल दिया गया है, कॉस ए निकाल दिया गया है, और फिर हमको जो निकालने का है दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ निकाल दिया गया है, आंसर आया है 12/25। आप सोल्यूशन रोक के देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू दिया हुआ है, और पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इतना हमको प्रूव करना है। तो देखिए पी है तो एलएचएस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ आपको, एलएचएस में है पी स्क्वायर माइनस 1, तो एलएचएस में पी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में इतना, मैंने इसका स्क्वायर किया, इसको 1 बनाया, 1 कट गया, ये आ गया हमारा एलएचएस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारा आरएचएस है 2p बटा क्यू, p का वैल्यू रखा क्वेश्चन से, q का वैल्यू रखा, फिर देखिए हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, सॉल्व करते करते यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉमन आके कट जाता है स्टेप, आप देख लीजिएगा स्टेप कैसे हुआ। देखिए sec को पलट दिया 1/cos, cosec को पलट दिया 1/sin, फिर ये इसका जो एलसीएम बना वो बटा के बटा में होने की वजह से ऊपर चल गया, यहाँ बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसने ऊपर वाले टर्म को काट दिया 2 sin थीटा कॉस थीटा। एलएचएस में भी हमारा इतना ही आया था, सो डैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 का मान निकालिए। देखिए 75 में आप ए और बी का वही मान डालिए, ऐसा नहीं कि 60 और 15 डाल देंगे, तो आपको साइन 15 का मान पता होना चाहिए ना, तो हम सिंपल वैल्यू डाल देंगे जिसका मान हमको पता है 10th तक, तो 45 और 30 का मान पता है, 45 30 जोड़ देने पर 75 आता है। अब आइए इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो पहला है साइन ए, तो यानी साइन 45 कॉस बी यानी कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45, फिर साइन बी यानी कि साइन 30, अब सबका वैल्यू रख देते हैं, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, फिर सॉल्व कर दिया गया है, लास्ट में हमारा आया है √3 प्लस 1/√2। अगर आपने इतना किया होगा या फिर अगर आपने कुछ स्टेप जंप भी किया है या छोड़ा है तब भी आपको नंबर दिया जाएगा, ऐसा बिहार बोर्ड बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमको पी क्यू का वैल्यू निकालने का, यानी दूरी सूत्र सिंपली लगाया गया है, वीडियो रोक के कैलकुलेशन दूरी सूत्र का देख लें, आंसर मिला लें, आपने क्या बनाया था ये याद कर ले, बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पी और क्यू दिया हुआ है और देखिए क्यू में एक बाई यहाँ पे है, बाई हमको निकालने कह रहा है, ओके तो हम क्या करेंगे, और पी क्यू की दूरी 10 इकाई दिया हुआ है, तो पी क्यू निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाया, दूरी सूत्र लगाने के बाद यहाँ पे दूरी सूत्र हमने लगाया है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर दिया है, तो इस 10 का 100 64, इसका रूट खत्म हो गया है, फिर हमने बाई प्लस 3, 100 में से 64 गया 36, 36 का रूट जब किया तो प्लस माइनस 6, प्लस 6 लेने पर यहाँ पे 3 आया, माइनस 6 लेने पर -9, बाई का 2 वैल्यू आएगा 3 और -9। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बोल रहा है कि P और Q दिया हुआ है तो मध्य बिंदु का नियामक, कुछ नहीं मध्य बिंदु मान लिया A A B, बस कुछ नहीं मध्य बिंदु पर मैं लगा दिया A प्लस बी बटा 2 और A 8+4/2। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था वो था कि यदि दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6, 8 और 2, 4 नियामक दिए हुए हैं तो इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालिए, तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन था 18 वो ये क्वेश्चन रहा, बिंदुओं इतना के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो यहाँ पर वहाँ पे वो निकाल दिया गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वो क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जो है वो है दो प्रकार के सांख्यिकी आधार सामग्री यानी डाटा को परिभाषित करें। ये जो होता है आपको क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटा, उसी के बारे में पूछ रहा है, उसको आप डिफाइन कर लेंगे बुक से जाके। बार ग्राफ के दो गुणों को बताएं, बार ग्राफ के बहुत सारे गुण हैं, ये देखिए तो ये तो डिपेंड, इसका तो सॉल्यूशन करना नहीं है, बुक में जाइए आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आइए अब असंभव और निश्चित घटना को समझाएं। चलिए देखिए असंभव घटना, हुआ घटना जो कभी
कभी घटित नहीं हो सकती, असंभव घटना कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति का जीवित रह जाना, कोई व्यक्ति जीवित रह जाए हमेशा ऐसा नहीं है, 24 घंटे का रात होना ऐसा नहीं हो सकता, ये सब असंभव घटना है। निश्चित घटना हुआ घटना जो निश्चित है और निश्चय ही घटित होती है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे सूर्य का पूर्व में उगना कन्फर्म है, निश्चित है, हमारा मर जाना कन्फर्म है कि हम मरेंगे, तो यह निश्चित घटना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि घटना ए के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखे। कौन सी घटना है, कौन सा सूत्र है जो घटना ए के होने को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ लिखेंगे किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि में, आप दूसरा तरह से भी इसको बना सकते हैं, बट भाव यही निकलना चाहिए, किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि में एन अव्यव हूँ। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हुआ जैसे हम डाइस लेते हैं तो उसमें 6 ताश लेते हैं तो 52, सिक्का लेते हैं तो 2, तो ये प्रतिदर्श समष्टि हुआ। तो किसी घटना एक के अनुकूल परिणामों की संख्या x और कोई घटना उसमें जैसे हेड आने का अनुकूल परिणाम 1, फिर आपका ताश में है कि बासा आने का, बादशाह आने का, किंग आने का, तो 4। उसी तरह से किसी घटना एक के अनुकूल परिणामों की संख्या x हो तो घटना एक के घटित होने की प्रायिकता P(a)(n)(a)/(n)(s) मैंने वैल्यू ले लिया था तो x और n कर दिया। चलिए आइए अब लॉन्ग टाइप में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी सॉल्व किया तो थोड़ा मेरा 2 बार में ये सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है, यदि ट्रेन की गति 10 km/h अधिक होती तो 2 घंटा पहले पहुंच जाती, और अगर 10 km/h यानी 10 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटा अधिक दूरी अधिक में पूरी होती। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमको दूरी की गणना करनी है। चलिए आइए तो बात करते हैं, दूरी की गणना करनी है। दूरी फिक्स है दोनों ही कंडीशन में और चाल 10 एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, जिससे टाइम में फर्क पड़ा है। ये देखते हैं क्या करते हैं। इसमें दूरी को मैंने x माना है, चाल को y माना है। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी x बटा y, x समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x बटा y ये रियल समय था। बट बोल रहा है कि 2 घंटा कम समय लगा, कब, जब दूरी वही है लेकिन चाल मेरा 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये हो गया मेरा समय 2 घंटा कम, समय 2 घंटा कम यानी दूरी बटा चाल, चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया था। दूसरा बार बोल रहा है कि इस बार समय 3 घंटा ज़्यादा लगा, क्यों, क्योंकि दूरी वही थी, चाल 10 किलोमीटर पर घंटा घट गया। तो यहाँ पे 2 मेरा समीकरण बना। अब समीकरण 1 को मैंने सॉल्व किया है कैसे, 2 को उधर भेज दिया और इसको इधर ले आया, ये देखिए 2 को उधर भेज दिया इसको इधर ले आया। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करके लाया है लास्ट में 10x = 2y / 10, इसको मान लिया है समीकरण 3 और फिर से समीकरण 2 को सॉल्व किया है दूसरे तरफ। तो समीकरण 2 को मैंने सॉल्व किया है, समीकरण 2 में क्या किया है, फिर से आइए समीकरण 2 में 3 को इधर ही रहने दिया है, इसको उधर भेज दिया है। तो देखिए हो गया x बट्टा ये जो है, फिर इसको सॉल्व करके भी मैंने 10x का वैल्यू लाया है, 10x का वैल्यू 3y / 10, समीकरण 4 बनाया। अब जरा सा समीकरण 3 देखते हैं, समीकरण 3 भी 10x था और समीकरण 4 भी 10x है, दोनों को बराबर किया तो ये वैल्यू और वो वैल्यू दोनों सेम आ गए। दोनों को देखिए गुना करके प्रस्तुत किया गया, आप पीछे वीडियो करके देख लेंगे। फिर यहाँ बाई स्क्वायर इधर आ गया, 20y इधर आके -50y कॉमन लिया, बाई जो चूंकि चाल है, चाल 0 नहीं हो सकती है, घटा बढ़ा रहा है तो 0 कैसे होगा, तो बाई का वैल्यू 50 किलोमीटर पर घंटा। जैसे ही बाई का वैल्यू बचा आप 3 या 4 में किसी में भी वैल्यू डाल लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर था वो 600 किलोमीटर था। इसी में एक है और करके, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये कौन था 23 था, इसी में और करके है इस समीकरण को सॉल्व करना, कुछ नहीं है, पिछला बार भी मैंने इसको सॉल्व किया था। इसमें क्या करेंगे तो 2 का गुणज सेम कर देंगे, तो मैं इसका गुणज पी क्यू करने वाला हूँ और इसका भी गुणज मैं पी क्यू करने वाला हूँ। तो कैसे, तो इसको पी से गुना कर दिया, इसको क्यू से गुना कर दिया, पी क्यू आ गया, ये दोनों कट गया, इधर भी पी क्यू एक ठो कट गया। अब इधर पी एक्स कॉमन ले लिए तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में, और इधर भी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों कट गया। एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू जैसे ही 1 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो बाई का वैल्यू दे देगा। अगर लॉन्ग टाइप है तो आप थोड़ा सा इसको विस्तार में बनाएंगे, थोड़ा और लंबा करेंगे तो नंबर और ज़्यादा मिलेगा, मतलब मिलता, अब तो जो बना दिया वो बना दिया। चलिए बाई का वैल्यू एक्स और एक्स का वैल्यू 1 और बाई का वैल्यू -1। अब फिर से अगला क्वेश्चन है और बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 23 की अथवा का, मैं आपको दिखाता हूँ 23 के अथवा का जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये दिए हुए रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होगा तो ए और बी का वैल्यू निकालिए। देखिए मैंने क्या किया है, पहले दोनों को लिख दिया है, दोनों को लिखने के बाद
अनगिनत हल का कंडीशन डालना है। अनगिनत हल के लिए होता है कि सबका सब बराबर होना चाहिए। तो अब क्या किया, जो भी गुणांक हैं एक्स के और वाई के, सबको मैंने उस इक्वेशन में सेट किया है। आप वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे। अब तो यहाँ पे सेट किया है, फिर क्या किया है, बारी बारी से मैंने ए और बी के दो समीकरण बनाए। मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ थोड़ा देर तक। तो बारी बारी से मैंने इसको, मतलब ए वन जो था उधर वो लिखा, ए टू नीचे लिखा, फिर इधर लिखा, फिर इधर लिखा। यहाँ पे देखिए तीन इक्वल टू हमको प्राप्त होते हैं। तो इसको मैं कंपेयर करके यहाँ पे दो समीकरण की मैंने रचना की है, समीकरण तीन। और फिर इस समीकरण तीन को बनाने के बाद, यानी कि पहले मैंने इसको लिया और फिर लिया इसको, इसको और इसको लेने के बाद ए का वैल्यू पाँच भी आ गया। इसको मैंने समीकरण तीन बना दिया और फिर लिया मैंने इसको, टू बी को और इसको, और पुनः मैंने क्या किया, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे मैं पुट करूँगा, अट्ठाईस बी ये उधर भेज दिया मैंने, तो फाइव ए अट्ठाईस बी माइनस में, टू बी प्लस में, तो माइनस छब्बीस बी प्लस वन। अब मैंने क्या किया, पाँच को रख दिया, ए का वैल्यू यहाँ से फाइव बी पुट कर दिया और उसके बाद हमारा बी आ गया वन। उसी तरह से ए इज इक्वल टू फाइव बी, तो पाँच गुने बी का वैल्यू वन, ए का वैल्यू पाँच, बी का वैल्यू वन, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए था पाँच और एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छब्बीस, सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर, छब्बीस नहीं, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये है। और त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज बी, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज बी एफ सी, इन दोनों का हमको एरिया फाइंड करना है। ओके, हमको इसका एरिया फाइंड करना है दोनों का। आइए तो कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ क्या है, ए डी और डी बी का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां बी डी और ए डी ए, बी सॉरी बी डी और डी ए का वैल्यू दिया हुआ है पाँच तीन, तो इन दोनों को हम एक्स एक्स में मान लेते हैं। अब क्या किया, तो ए बी का वैल्यू निकाल दिया, कैसे, तो दोनों को जोड़ के एट एक्स आ गया। अब देखिए आप जानते ही हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप क्या किया गया है, दोनों त्रिभुज को आप समरूप दिखाना था, आपको कोण इधर और इधर लेके उसको मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, आपको यहाँ प्रूव करना होगा डी ई पैरेलल बी सी, तो डी ई पैरेलल बी सी करके दोनों त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला ए बी सी और ए डी ई को समरूप किया। तो समरूप करने के बाद फिर उसकी संगत भुजा, ये छोटा वाला का डी ई और बड़ा वाला का बी सी का अनुपात निकालना, डी ई अनुपात बी सी तीन अनुपात आठ, ऐसे देखिए आप इसको देख लेंगे किस तरह से निकाला गया है। और अब क्या किया मैंने, अब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जाके देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है डी ई एफ और बी एफ सी, इसी का हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो एरिया का रेशियो यानी क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसका, इन दोनों के भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों को करके इन दोनों के भुजाओं का अनुपात निकाल चुका है, डी ई अनुपात बी सी, यहाँ पे तीन अनुपात आठ हमको मिल चुका है, बस केवल दोनों को समांतर करने का जरूरत है। तो समांतर कैसे, सॉरी समरूप करने का जरूरत है। तो समरूप कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों समांतर है, तो इसका एकांतर कोण ये, इसका एकांतर कोण ये, इसका एकांतर कोण ये और इसका एकांतर कोण ये, एंगल एंगल से दोनों समरूप हो गया, बस समरूप हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो नौ अनुपात चौसठ हमारा हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक त्रिभुज दिया हुआ है, अथवा में है ये क्वेश्चन, चौबीस के ये क्वेश्चन अथवा में है और में है, और इसको हमको प्रूव करना है। कुछ नहीं है, देखिए कितना हल्का है, ए एफ बराबर ए ई होगा, बी एफ बराबर, इसमें तीन चीज़ प्रूफ करना है। ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको, ये तीन चीज़ इसमें प्रूफ करना है बारी बारी से। क्वेश्चन तो आप देख ही लीजिए, फिगर से भी समझ में आ जाएगा, तीन चीज़ इसमें प्रूफ करना है, आप बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है ए एफ प्लस बी डी, यानी एक एक का स्किप करके ए एफ इसको छोड़ दीजिए, फिर बी डी में आ जाइए, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसमें आ जाइए सी ई में, और बोल रहा है ये बराबर हो जाएगा ए ई के, फिर इसको छोड़ दीजिए बी एफ के, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर सी डी के। तो यानी कि कुछ नहीं करना है हमको, देखिए आप जानते हैं बाह्य बिंदु से जो है जो स्पर्श रेखा इक्वल होता है, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये तीनों बराबर होता है। तो मैंने क्या किया है, एल एच एस में लिया है ए एफ, फिर ए एफ को बराबर कर दिया है ए ई के, देखिए बराबर तो है ही, बी डी लिया है, बी डी को बराबर कर दिया है बी एफ के, बी डी बी एफ के, और सी ई लिया है, सी ई को बराबर कर दिया है सी डी के। बस जो हमको प्रूफ करना था, पहला चीज ये वाला,
इन तीनों का जोड़ इन तीनों के बराबर, वो प्रूफ हो चुका। अब आइए खाली एरिया को सॉरी परिमाप को हाफ करना है। देखिए परिमाप को कैसे हाफ किया गया है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ए बी बी सी ए सी लिख लिए, अब तीनों को तोड़ दिया मैंने, अब फिगर जाके पीछे देख लेंगे, तीनों को ए बी को इसमें तोड़ दिया, इसको इसमें तोड़ दिया, इसको इसमें तोड़ दिया, अब क्या किया, इसका इसका इसका, ये तीनों को इधर रख दिया। अभी हमने तुरंत इन तीनों का योग प्रूफ किया था इसके बराबर, है ना, तो इसको अब हम हटा देंगे, इसको क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि ये बराबर ये प्रूवन है, ये बराबर ये क्या है प्रूवन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पीछे अभी प्रूफ किया गया है तुरंत, तो क्या करेंगे इसको हटा देंगे, इसको तुरंत टू बना देंगे, यानी कि सेम चीज जब जुटेगा तो दुगना हो जाएगा, तो दुगना होगा, डेट मीन्स इन तीनों का जो जोड़ है जो इसके परिमिति का क्या है परिमाप का आधा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चल गया। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में सिद्ध करना है ये वाला, हमको सिद्ध करना है, आइए देखते हैं। इसका LHS लिया, ये लिया, इतना बराबर साइन 1+tan है कॉस है, इतना बराबर हमको प्रूव करना है, इससे इसको मैंने लिया, इसको लेने के बाद क्या किया इधर आएंगे, LHS लिया मैंने, इसको तोड़ दिया साइन बटा कॉस में टेन को और कॉस बटा टेन में, फिर आप सॉल्यूशन समझ लेना, इसको इधर कर दिया कॉस ए प्लस साइन ए, ये नीचे आ गया, इसको भी इधर कर दिया साइन ए प्लस कॉस ए वहाँ बन गया, फिर इन दोनों का LCM ले लिया नीचे, फिर ये इधर आके गुना हो गया साइन स्क्वायर इधर, ये इधर आके गुना हो गया, फिर दोनों में साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए को बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब इसका वैल्यू वन, उसके बाद फिर साइन ए, इसका वैल्यू देखिए वन हो गया है ना, इसको मैंने स्किप किया है, फिर देखिए साइन ए के बटा में कर दिया इन दोनों को, तो साइन साइन कट गया, नीचे में बच गया कॉस, कॉस ए के बटा में कर दिया इन दोनों को, कॉस कॉस कट गया, बच गया नीचे साइन, कॉस वन बटा कॉस ए का उल्टा से के और वन बटा साइन ए का उल्टा कॉस ए के, RHS आ गया हमारा। दूसरा इसमें प्रूफ करना है इसका रेशियो, ये देखिए बहुत हल्का है, दूसरा में क्या करना है हमको इसको पहले लिख लीजिए आप LHS को, उसके बाद LHS को लिखने के बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड, किससे तो कॉस से, तो पहला साइन था साइन को कॉस से डिवाइड किया तो टेन, यहाँ कॉस था कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो वन, और यहाँ वन था वन को कॉस से डिवाइड किया तो सेक, उसी तरह से नीचे भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे था वैसे लिख लिया, वन को हम कुछ लिखेंगे कुछ करेंगे कैसे, तो वन बराबर हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन, तो वन को नीचे वाला वन को हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। अब क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंडीशन होता है ना, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब इसमें हम ए माइनस बी करेंगे तो देखिए हमको ये मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा, मतलब यहाँ टेन माइनस सेक है, यहाँ सेक माइनस टेन मिलेगा, तो हमने क्या किया, तो हमने सेक माइनस टेन, तो हमने सेक माइनस टेन कॉमन ले लिया इससे और इससे, क्योंकि इसमें भी छिपा हुआ है, तो जैसे ही कॉमन लिया सेक माइनस टेन यहाँ से, यहाँ छोड़ दिया निगेटिव, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा लिया था हमने, यहाँ छोड़ दिया निगेटिव माइनस में और इसमें पॉजिटिव टर्म बच गया। अब जरा सा आप गौर से देखिए, सेक पॉजिटिव टेन पॉजिटिव वन निगेटिव, सेक पॉजिटिव टेन पॉजिटिव वन निगेटिव, दोनों कट गया, हो गया वन बटा सेक आगे टेन पीछे, RHS प्रूफ। इसमें एक और में था कि नदी के एक किनारे से है पेड़ के दूसरे किनारे का जो उन्नयन कोण 30, जब 40 डिग्री जब 40 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको BC निकालना है, ओके। चलिए ये देखिए क्या करेंगे, पहले आप आइए त्रिभुज ABD में, इधर आइए त्रिभुज ABD में आएंगे तो लिखेंगे tan 30 बराबर AB बट्टा BC, त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर AB बट्टा BC, तो इसमें BD, तो इसमें मैंने AB निकाल लिया, ओके, इतना हो गया BD tan 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब त्रिभुज ABC में आएंगे और लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, हमको निकालना क्या, हमको BC निकालना है, ध्यान रखना tan 60 इज इक्वल टू AB बट्टा BC, देखिए क्या है tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ भी AB निकाल दिया, दोनों AB है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को इक्वल किया। अब देखिए क्या किया, हमको BC निकालना है, BD को भी मैंने BC प्लस 40 में तोड़ दिया, BD को मैंने BC प्लस 40 में तोड़ दिया और उसके बाद कैलकुलेशन किया, BC का वैल्यू 20। अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर, वो है एक बेलन दिया हुआ है, पूरा कंडीशन है, देखिए जो कंडीशन बुक में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लेना। अब आइए थोड़ा कैलकुलेशन में आते हैं, बोल रहा है कितना कैनवास लगेगा, मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, क्या स्किप किया है, तो कैनवास का क्षेत्रफल बेलन का बकपृष्ठ प्लस शंकु का बकपृष्ठ, लेकिन शंकु के बकपृष्ठ के लिए यहाँ पे एल चाहिए हमको, क्या चाहिए एल, तो एल कैसे निकालेंगे जरा सा देख लो आप, ये बेस 12 दिया हुआ है, ऊंचाई टोटल 16 और ये 11, तो इसका ऊंचाई 5, अब 12 5 का जो कैलकुलेशन बनता है वो 13 बनाता है, कर्ण यहाँ पे 13 निकलेगा, डेट मीन्स हमारा स्लेंट हाइट
आपको 13 निकालना था, मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, अब यहाँ पे जब वैल्यू डाला है आप कैलकुलेशन रोक के देख लो वीडियो, तो 1320 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ रहा है। आप लोग अपना याद कर लेना कितना किया था। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ है अथवा में है, एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्कपीस का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्या करना है, तो 4 और 3 दिया हुआ है, मैंने त्रिज्या को 4x और शंकु की ऊंचाई को 3x मान लिया, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर किया, 154 दिया हुआ था, करके मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद 4/7 आप कैलकुलेशन रोक के देख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू 4 गुना यहाँ जो एक्स का वैल्यू था निकाल लिया, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, स्लेंट हाइट निकाल के, स्लेंट हाइट यानी कि एच मेरे पास है, आर है, स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकाल के, और आपको पाई आर एल निकालना है बस। ऑल द बेस्ट, हमारे चैनल पे विजिट करते रहें। अब मैं इंग्लिश का और मैथ्स का चैप्टर वाइज डालना चालू करूँगा। कीप विजिटिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।